अब हम मूव करेंगे स्पीड मैथ के नेक्स्ट अर्थमेटिक ऑपरेशन की तरफ जो भी है स्केयर्स। तो हम यहाँ पर सीखेंगे कि हम कैसे स्मार्ट वे में स्केयर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो स्केयर होता है वो खुद का मल्टीप्लाई होता है, यानी कि अगर हमें x का स्केयर फाइंड आउट करना हो तो हम x को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास x स्केयर की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो हम सीखेंगे कि हम क्विकली कैसे बिना टाइम को वेस्ट किए हम स्केयर्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप किसी नंबर का स्केयर फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप 1 to 30 तक के स्केयर्स को अच्छे से याद कर लीजिए, है ना। अगर आप इन 1 to 30 तक के स्केयर्स को याद कर लेते हो तो आप किसी भी नंबर का स्केयर कुछ सेकेंड्स में फाइंड आउट कर सकते हो। जनरली हम लोगों को 1 to 15 तक के स्केयर्स याद होते हैं, है ना, टिप्स पे याद रहते हैं हमें 1 to 15 तक के स्केयर्स, हम क्विकली आंसर दे देते हैं उन सब नंबर्स का। तो अगर हम 1 to 30 तक के भी स्केयर याद कर लेते हैं तो हम किसी भी नंबर का स्केयर इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आपसे ऐसे ही पूछ लूँ कि 28 का स्केयर बताओ क्या होता है, नहीं पता, क्योंकि हम लोगों को 15 तक के जनरली याद रहते हैं, तो हम 28 का स्केयर नहीं बता सकते। तो आप किसी भी नंबर का अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं स्केयर इजिली तो आप 1 to 30 तक के स्केयर याद कर लीजिए और इजिली फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। तो मैंने यहाँ पर आपको 1 to 30 तक के स्केयर प्रोवाइड करवा दिए हैं। यहाँ पर बोर्ड पे आपके पास 1 to 30 तक के स्केयर्स हैं, आप इन्हें अच्छे से याद कीजिए और स्केयर्स को फाइंड आउट कीजिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, ठीक है। एक तो ये तरीका हो कि हम 1 to 30 तक के स्केयर याद रख ले, और दूसरा तरीका है कि जो यूनिट प्लेस चेंजेस हो रहे हैं नंबर्स के तो आप उसका स्केयर्स क्या होगा, यानी कि यहाँ पर जो यूनिट प्लेस है वो 1 है, है ना, आप देख रहे हो 1 का स्केयर 1, 11 का स्केयर 121, 21 का स्केयर 441, 9 का स्केयर 81, 19 का स्केयर 361 और 29 का स्केयर 841। जिन नंबर्स के पीछे जो यूनिट प्लेस है वो 1 है, उनका जो स्केयर रहेगा वो 1 और 9 रहेगा, 11 और 19 रहेगा, 21 और 29 रहेगा। अल्टीमेटली यहाँ पे 1 और 9 है, 1 और 9 है, 1 और 9 है, है ना। तो आप यूनिट प्लेस को भी, जो यूनिट प्लेस पे नंबर है आप उन्हें भी याद रखकर जो ये पैटर्न है आप इसे याद कर सकते हो कि अगर नंबर एंड हो रहा है 1 से तो जो उसका स्केयर रूट रहेगा वो रहेगा 1 और 9, ठीक है। अगर नंबर एंड हो रहा है 4 से, एंड हो रहा है 4 से, 4 144, 484, 64, 324, 784, तो इनका स्केयर रूट रहेगा 2 और 8, यानी कि अगर कोई नंबर 4 से एंड हो रहा है तो जो उसका स्केयर रूट रहेगा वो 2 और 8 रहेगा। अगर कोई नंबर 9 से एंड हो रहा है, जो उसका यूनिट प्लेस पे नंबर है अगर वो 9 है तो आप देख रहे हो यहाँ पे 9 169, 529, 49, 289, 729। अगर कोई नंबर 9 से एंड हो रहा है तो उसका स्केयर रूट 3 और 7 रहेगा, ठीक है। और अगर कोई नंबर 6 से एंड हो रहा है, 16 196, 576, 36, 256, 676, तो उनका जो स्केयर रूट रहेगा वो 4 और 6 रहेगा। अगर कोई नंबर 5 से एंड हो रहा है, 25, 225, 625, तो जो इनका स्केयर रूट रहेगा वो 5 रहेगा। और वैसे भी 25, इधर भी 25, यहाँ भी 25, तो जो भी 25 का स्केयर रूट रहेगा तो वो 5 रहेगा, ठीक है। और जीरोस, अगर कोई नंबर 0 पे एंड हो रहा है तो उसका जो स्केयर रूट रहेगा वो भी 0 रहेगा। अगर 2 जीरोज है, 100 है तो 10, 420, 930, है ना। तो हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से। और ये पैटर्न है कि अगर आपको ऐसे नहीं इजिली डायरेक्टली याद नहीं कर सकते आप लोग, तो पैटर्न याद कर लीजिए कि अगर एंड विद 1 है नंबर, जो यूनिट प्लेस है वो एंड विद 1 है, तो जो उसका स्केयर रूट रहेगा 1 और 9 रहेगा। अगर जो नंबर का एंड है वो 4 है, उसका स्केयर रूट 2 और 8 रहेगा। जो नंबर का यूनिट प्लेस 9 पे एंड हो रहा है तो उसका जो स्केयर रूट रहेगा वो 3 और 7 रहेगा, और अगर 6 पर एंड हो रहा है तो 4 और 6 रहेगा, 5 पे एंड हो रहा है तो उसका स्केयर रूट 5 रहेगा, ठीक है। तो आप इस पैटर्न से इजिली याद कर सकते हो। जो आपके पास स्केयर्स आपने फाइंड आउट करने हैं वो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो अब आपको 1 to 30 तक के स्केयर्स याद हो गए होंगे, होप सो आपको ये पैटर्न भी याद हो गया होगा कि अगर हमें एंड नंबर हम लोग याद कर लेते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाएगा किसी भी नंबर का स्केयर फाइंड आउट करना।
तो मैं मानकर चलती हूँ कि आप लोगों को ये पैटर्न याद हो गया होगा। तो मैं आप ये मानकर चलती हूँ कि अब आप 1 to 30 तक के स्केल से उसमें परफेक्ट हो गए हो, है ना। तो मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि अगर आपको 65 का स्केल बताना हो, अगर आपको 65 का स्केल फाइंड आउट करना हो, तो आप किस तरह करोगे? नो आइडिया ही नहीं होता ना एकदम से कि अभी तक तो हमने 1 to 30 तक के याद किए थे, अब 65 का स्केल कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो टिपिकल हो जाता है, डिफिकल्ट होता है कि हम इजिली उसका आंसर नहीं दे सकते। तो अब हम सीखते हैं कि जो 30 to 80 तक के स्केल हैं, जो बियॉन्ड 30 स्केल्स हैं आपके पास, जो 30 के बाद तक के नंबर हैं आपके पास, उनका स्केल आप किस तरह से फाइंड आउट करोगे। तो 30 to 80 का स्केल हम लोग फाइंड आउट करेंगे, और कैसे, इजी वे में फाइंड आउट करेंगे, आइए ये सीख लेते हैं, ठीक है। तो अब 30 to 80 तक के स्केल हमें फाइंड आउट करने हैं, तो मैं यहाँ पे जो बेस है वो 50 ले रही हूँ। जो बेस है हमारे पास वो है 50। अभी मैंने आपसे पूछा था कि 65 का स्केल बताओ क्या होता है, नहीं मालूम था हम लोगों को 65 का स्केल, नहीं पता ना। जो 65 है वो 30 से अबव है, है ना। तो हमें इसका स्केल फाइंड आउट करना है, तो मैंने बेस 50 लिया, तो मैं इसे स्प्लिट कर लूँ 65 को, यानी कि मैं 65 को स्प्लिट कर रही हूँ 50 + 15 में, ठीक है। अब 65 का स्केल फाइंड आउट करना है मैंने, तो 50 + 15 के स्केल को मुझे पता है 50 का स्केल 2500 होता है ना, और 15 का स्केल 225 होता है। तो मैं इसे स्प्लिट कर लिया ताकि इसको हम कुछ सेकेंड्स में फाइंड आउट कर सके। तो जो 50 का स्केल होता है 2500 होता है, ठीक है। हम इसमें ऐड करेंगे 1500, ठीक है, और इसमें ऐड करेंगे 15 का स्केल, तो जो हमारे पास 65 का स्केल आया है वो आया 4225। अदरवाइज हम इसे जनरल प्रोसीजर से करते, 65 को 65 से मल्टीप्लाई करते, वो लेंथी प्रोसेस रहता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना लेंथी किया है, अदरवाइज आप क्विकली इसे कर सकते हैं, है ना। आपको पता है कि जो 50 का स्केयर है वो 2500 रहने वाला है, उसमें 1500 ऐड किए हैं, देन 15 का स्केयर वो ऐड किया है। कुछ एग्जाम्पल्स और करके देख लेते हैं। 73 का स्केयर, 73 होता है 15 + 23 का होल स्केयर, ठीक है। 50 का स्केयर 2500 प्लस 2300 प्लस, और 23 का स्केयर होता है 529। तो अगर हम इसे ऐड करें तो ये हमारे पास आएगा 5329। 38 का स्केयर कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? 50 - 12 होल स्केयर, 50 का स्केयर 2500 माइनस 1200 प्लस 144, 2500 माइनस 1200 प्लस 144, तो ये इसका आंसर आएगा 1444। तो आपने देखा, अगर आप इस पैटर्न से निकालते हो, स्केयर्स फाइंड आउट करते हो, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। तो हम ये जान लेते हैं कि जो इस मेथड के पीछे, इस प्रोसीजर के पीछे जो भी मेथड अप्लाई किया गया वो क्या है। हम सभी को पता है ये फॉर्मूला, ए प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो ए स्क्वायर 50 + 15 इसका होल स्केयर, ठीक है। ए हमारे पास 50 का स्केयर प्लस 2ab प्लस 15 का स्केयर, तो 50 का स्केयर तो यहाँ फिक्स हो गया 2500 प्लस, अब 50 × 200, 100 × 15, 1500 प्लस 225, 15 का जो स्केयर है वो है 225। अगर हम इन्हें ऐड करें तो ये आएगा 4225। तो जो इसके पीछे प्रोसीजर अप्लाई हुआ था वो ए
प्लस माइनस बी स्क्वेयर ए प्लस माइनस बी होल स्क्वेयर वाला प्रोसीजर है जो ये फॉर्मूला है ये अप्लाई हो रहा है। मैं आपको बता देती कि आप इसे 3 स्टेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि आप अगर आपको कैलकुलेशन करनी हो तो आप इजीली से कैलकुलेट कर लो। तो अगर जो नंबर 3280 के हैं जो स्क्वेयर हमने 3280 तक के फाइंड आउट करने हैं तो उसमें जो फर्स्ट टर्म रहेगी वो फिक्स रहेगी 2500 क्योंकि बेस हमने 50 लिया है और 50 का स्क्वेयर 2500 होता है तो फर्स्ट टर्म रहेगी वो फिक्स रहेगी 2500। सेकेंड टर्म हमारे पास 2AB, अब 2A 50 है और B जो भी नंबर रहेगा जो हमने यहाँ 15 था तो हमने B यहाँ पर 15 है तो जो सेकेंड टर्म रहेगी वो रहेगी 100 मल्टीप्लाई बी क्योंकि 50 ऑलवेज A 50 रहेगा क्योंकि बेस हमारे पास 50 है तो 50 मल्टीप्लाई 200 100 मल्टीप्लाई विद बी जो भी यहाँ पर नंबर रहेगा जो भी बी रहेगा हमारे पास वो तो 100 मल्टीप्लाई बी ये सेकेंड टर्म रहेगी हमारे पास और जो थर्ड टर्म रहेगी वो रहेगा बी का स्क्वेयर जो भी हम लोगों के पास बी नंबर बी रहेगा जो बी की वैल्यू रहेगी हमारे पास उसका स्क्वेयर। तो आप इसे 3 स्टेप्स में इजिली कर सकते हैं कि 50 का स्क्वेयर डायरेक्ट 2500 देन 100 मल्टीप्लाई विद बी 1500 प्लस 15 का स्क्वेयर 225। तो अगर आप इन तीनों को ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर है वो 4225। तो इसी तरह से आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पर जो हमारे पास नंबर है जो हमें स्क्वेयर फाइंड आउट करना है वो 50 से कम नंबर का करना है यानी कि अब मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया 38 का स्क्वेयर तो 38 का स्क्वेयर 50 माइनस 12 माइनस का सिंबल है यहाँ पर तो हम यहाँ पर माइनस जब हम माइनस में होल स्क्वेयर फाइंड आउट करते हैं तो ए स्क्वेयर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वेयर तो 2500 माइनस 1200 प्लस 144। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो स्क्वेयर आएगा वो आएगा 1444। तो आप इस मेथड को अप्लाई करके या इस प्रोसीजर को अप्लाई करके आप इजीली 2-3 सेकंड्स में अपने आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि 59 का स्क्वेयर बताओ आपके पास टाइम है 2-3 सेकंड्स 3481। अगर हम 59 का स्क्वेयर फाइंड आउट करें तो वो होगा 3481। कैसे 50 का स्क्वेयर 2500 प्लस 900 100 मल्टीप्लाई विद 9 क्योंकि जो 59 है मैंने उसे स्प्लिट किया है 50 प्लस 9 तो 50 का स्क्वेयर प्लस 900 प्लस 9 का स्क्वेयर तो 2500 प्लस 900 प्लस 81 3481 इसका जो स्क्वेयर है वो फाइंड आउट। तो आई होप सो कि आपको ये कैलकुलेशन इजी लग रही होगी अब और आप इजीली जो भी 30 से अबव और 80 से कम के नंबर हैं आप उन्हें इजीली उनका स्क्वेयर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि हम जो 18 से अबव के नंबर हैं उसके स्क्वेयर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी हमने सीखा था कि हमने 1-30 तक के स्क्वेयर्स लर्न करे थे देन 30-80 तक के स्क्वेयर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने 50 को बेस लिया था। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि जो नंबर 18 अबव है हम उसका स्क्वेयर किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पर सीखेंगे कि हम 80-130 तक के स्क्वेयर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब हमने 30-80 तक के स्क्वेयर फाइंड आउट किए थे तो हमने बेस लिया था वो लिया था 50। जब हम 80-130 तक के स्क्वेयर फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास जो बेस रहेगा वो रहेगा 100। अब मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि 83 का स्क्वेयर बताओ तो 83 का स्क्वेयर होता है 6889। तो लेकिन अगर हम इसे बेस 100 ले रहे हैं तो 83 का स्क्वेयर फाइंड आउट करना है हमने तो इसमें जो फर्स्ट टर्म रहेगी वो रहेगा हमारे पास 100 का स्क्वेयर क्योंकि अब 83 है 83 को हम लोग स्प्लिट करें तो ये होगा 100 माइनस 17 का होल स्क्वेयर। तो 100 माइनस 17 का होल स्क्वेयर 100 का स्क्वेयर 10,000 माइनस 3400 प्लस 17 का स्क्वेयर 289। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगा 6889। तो 100 का स्क्वेयर माइनस 3400 प्लस 289 ये आएगा 6889।
क्योंकि अगर हम इस प्रोसीजर को यहाँ पर अप्लाई करें तो 100 माइनस 17 का होल स्केयर, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ए स्केयर 100 का स्केयर माइनस 2ab, 2a 100 है और b है हमारे पास 17, प्लस बी स्केयर, तो बी स्केयर है हमारे पास 17 का स्केयर, तो 100 स्क्वायर 10,000 माइनस 100 17 टू द 34 मल्टीप्लाई 100 3400 प्लस 289 17 का स्क्वायर। तो अगर हम इसे सिंपलीफाई करें तो हमारे पास आएगा 6889। तो आपने देखा यहाँ पर कि जो 2ab है वो कहीं ना कहीं इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया, जो b है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया, देन उसे 100 से मल्टीप्लाई किया गया। जब हमने 30 से लेकर 80 तक के बीच के नंबर का हमने जब स्क्वायर फाइंड आउट किया था तो हमने वहां पर बेस लिया था 50। जब हम 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो वो 100 था, तो 100 को डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर रहे थे b से, जो भी b था वहां पर हमारे पास 15 था, 16 था, 17 था या 27 था, जो भी था, तो हम उसे वहां पर उससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो वो सिंपल हमारे पास नंबर आता 2700 या 1500, है ना। तो यहाँ पर 50 था तो हम उसे वन टाइम मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हमने यहाँ पर 100 बेस लिया तो हम इसे 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जो भी हमारे पास सिंप्लीफाई करके नंबर आएगा हम उसे 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर 19 होता तो 19 को 2 से मल्टीप्लाई करते 38 और 38 को 100 से मल्टीप्लाई करते 3800। तो जब भी आप बेस 100 लोगे तो फर्स्ट स्टेप रहेगा कि 100 का स्केयर हमें पता 10,000 होता है, ठीक है। सेकेंड स्टेप रहेगा या सेकेंड टर्म जो हमारे पास रहेगी, सेकेंड स्टेप हमारे पास रहेगा वो रहेगा 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई बी, तो 200 को बी से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद है बी का स्केयर, ए प्लस बी होल स्केयर है तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, अगर ए माइनस बी का होल स्केयर है तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, ठीक है। तो हमने बेस यहाँ पर लिया है 100, तो जो नंबर 100 से कम है तो हम उसे करेंगे 100 माइनस एक्स, और जो 100 से अबव है हम उसे करेंगे 100 प्लस एक्स, क्योंकि अगर अब 83 था वो 100 से कम था तो हमने 100 माइनस एक्स किया, और अगर 100 से ज्यादा रहेगा तो वो रहेगा 100 प्लस एक्स। 107 का स्केयर फाइंड आउट करना है, तो 107 का स्केयर 100 का स्केयर 10,000 प्लस, तो अगर हम इसे स्प्लिट करें तो 100 प्लस 7 है ना, तो 100 का स्केयर 10,000 प्लस 7 का, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, 14 को 100 से करेंगे 1400, तो 10,000 प्लस 1400 प्लस 7 का स्केयर 49, तो ये हमारे पास आएगा 11449। तो मैंने ऑर्डली इसको कैलकुलेट किया है कि जो इसका स्केयर है वो है 11449, ठीक है। तो आप भी इन कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर लीजिए और अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको कन्वीनियंस लगता है आप उसके अकॉर्डिंग स्प्लिट कर लीजिए, ठीक है, और उसे इजीली कैलकुलेट करके आंसर्स को जल्दी से फाइंड आउट कर लीजिए। तो एक एग्जांपल और कर लेते हैं, 126 का स्केयर 100 प्लस 26 का होल स्केयर, 100 का स्केयर 10,000 प्लस 26 मल्टीप्लाई 252 मल्टीप्लाई विद 100 5200 प्लस 676, तो 10,000 प्लस 10,000 प्लस, तो 10,000 प्लस 5200 प्लस 676, ये आएगा हमारे पास 15876। तो 126 का स्क्वायर है 15876। तो देखा आपने, आप इजिली इन स्क्वायर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। तो आई होप सो कि अब आप इजिली जो स्क्वायर्स हैं आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप 1 टू 30 तक के स्क्वायर्स को याद कर लीजिए, ठीक है। देन 30 टू 80 तक के स्क्वायर का, जो 30 टू 80 तक के स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है तो हम उसका बेस 50 लेंगे, 50 प्लस माइनस जो भी हमारे पास एक्स रहेगा वो उसका होल स्केयर, तो जो फर्स्ट टर्म रहेगी वो 2500 रहेगी, देन प्लस माइनस 100 मल्टीप्लाई एक्स प्लस एक्स स्केयर। तो आप इस प्रोसीजर को अप्लाई करके 30
टू एटी के बीच के जितने भी नंबर है हम उनके स्केयर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर नंबर 30 से अबव है, 130 से 80 टू 130 के बीच का है, तो हम उसका बेस लेंगे 100। तो 100 प्लस माइनस एक्स होल स्केयर, तो फर्स्ट टर्म रहेगी हमारे पास 10,000 और सेकेंड टर्म रहेगी हमारे पास 2x मल्टीप्लाई 100 देन एक्स का स्क्वेयर। तो ऐसे ही अगर कोई नंबर 130 प्लस हो, 130 से ज्यादा हो उसका नंबर का स्क्वेयर निकालना हो, तो हम सेम बेस रखेंगे, वहां पर हम बेस लेंगे 150। जब हमारे पास बेस 50 था तो ये 100 था, हमारे पास 100 बेस हुआ तो ये 200 हुआ, लेकिन जब बेस हमारे 150 होगा तो वहां पर जो भी कैलकुलेशन रहेगी वो 3x मल्टीप्लाई विद 100। अगर हमारे पास बेस 200 रहेगा तो मल्टीप्लाई x को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, देन उसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। तो इजी हो जाएगा आपके लिए, आप स्क्वेयर्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे कैलकुलेट करना इजी है, बजाय कि हम मल्टीप्लिकेशन मतलब सिंपल जो रेगुलर प्रोसीजर है मल्टीप्लिकेशन का, कि अगर हमें 65 का स्क्वेयर फाइंड आउट करना हो तो हम 65 मल्टीप्लाई 65 करें, उससे इजी है ये प्रोसीजर। तो आप कुछ सेकेंड्स में ही आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास बात आती है कि जो नंबर 5 से एंड होते हैं हम उनका स्केयर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे 5 है, 25 है, तो जो नंबर 5 से एंड हो रहे हैं हम उसका स्केयर्स फाइंड आउट करेंगे। तो 5 का स्केयर 25, 15 का स्केयर 225, 25 का स्केयर 625। आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि 5 का स्केयर है हमारे पास 25, 15 का स्केयर है 225, 25 का स्केयर है 625, 35 का स्केयर। अब आप देखो 5 का स्केयर है 25, 15 का स्केयर 225 और 25 का स्केयर 625, यानी कि 5 का स्केयर तो 25 है, यहाँ भी 5 का स्केयर 25 है और 5 का स्केयर यहाँ भी 25 है, तो 25 तो आएगा 5 का स्केयर। अब आप ऑब्जर्व करो कि जो 2 आया है ये यहाँ पर और यहाँ पे 0 है, 2 है और 6 है, तो ये किस तरह से आएगा। अब आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ 0 है, अगर हम 05 का स्केयर फाइंड आउट करें तो 25 है, यानी कि जो 0 है उसे मल्टीप्लाई किया गया है उसके नेक्स्ट इंटीजर से, जो उससे हायर इंटीजर है उसे मल्टीप्लाई किया गया है। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 025, तो 1 यहाँ पे 1 है, जो 10 प्लेस पे हमारे पास डिजिट दिया गया, जो 10 प्लेस पे हमारे पास नंबर है हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे उससे नेक्स्ट इंटीजर से। तो 1 को हम मल्टीप्लाई करें 2 से तो 2 आएगा, 225। 2 को उससे नेक्स्ट इंटीजर हायर इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो 2 3 6 आया। अब यहाँ पर अगर हम 3 को उससे नेक्स्ट हायर इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई विद 4 12। अब 45 का स्क्वायर है हमारे पास 25 और जो 4 से हायर इंटीजर है वो है हमारे पास 5, तो 4 5 20। ऐसे ही 75 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना हो तो 5 का स्क्वायर 25 और 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 56। 75 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और अगर हम 7 को इससे नेक्स्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 5625। तो अगर मैं 125 स्क्वायर की बात करूं तो 5 का स्क्वायर 25 और 12 को इससे नेक्स्ट इंटीजर यानी कि 13 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा 156। तो 125 का स्क्वायर हुआ 15625। अब मैं बात करूं अगर 195 स्क्वायर की, तो 5 का स्क्वायर 25 और 19 को उसके नेक्स्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई करना यानी कि 20 से, तो 19 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 380, तो 380 25 195 का स्क्वायर है। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये वैसे ही है जैसे कि हमने कॉम्प्लीमेंट्री नंबर पढ़े थे, आपको याद हो हमने कॉम्प्लीमेंट्री नंबर पढ़े थे, जिनका जो यूनिट प्लेस है उनका सम 10 होता है और जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो सेम होता है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ 35 की, तो अगर 35 को का स्क्वायर है तो उसको 35 को 35 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो जो यूनिट प्लेस का सम है वो है 10, 5 प्लस 5 10, और जो रिमेनिंग प्लेसेस है वो सेम है। तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। तो हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री नंबर को जब मल्टीप्लाई किया था तो हम लोगों ने यही सीखा था कि जो यूनिट प्लेस पे नंबर है वो उनका सम 10 होना चाहिए और जो रिमेनिंग पार्ट है वो सेम है, तो हम इसे कॉम्प्लीमेंट्री नंबर बोलेंगे।
तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसको उसके नेक्स्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेम है, तो हम जो भी नंबर जिनका एंड फाइव से हो रहा है और जो रिमेनिंग पार्ट है वो सेम है, तो हम इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री नंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जो भी 135 का स्क्वायर है, 145 का स्क्वायर है या 155 का स्क्वायर है, ये सेम एज इट इज रहने वाले हैं, तो हम इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री नंबर भी कह सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको स्क्वायर्स फाइंड आउट करने आ गए होंगे, तो आप इन पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप विद इन अ सेकेंड या कुछ सेकेंड्स में अपने आंसर्स को फाइंड आउट कर सकें।